हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न फोर्स्ट एंड ईवीएस वी वन लेसन नंबर एटीन दैट इज चेंजेस इन द फैमिली एंड नेबरहुड स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर इज़ फ्रॉम योर डाइजेस्ट ओके सो लेट्स बिगिन पहला एक क्वेश्चन देखिए आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है आंसर यहाँ पे ऑलरेडी आपका यहाँ पे देख सकते हो अंडरलाइन किया गया है यही सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आंसर में बताया गया है देखिए ये रहा ये सब आंसर यहाँ पे जो भी है यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है ना और ये सारे क्वेश्चन फोर फिफ सिक्स वो भी वहाँ पे थ्री था यहाँ पे फोर फिफ सिक्स क्वेश्चन है फिर इंडिया ब्लैंक से और सब यहाँ पे जो आंसर है वो अंडरलाइन किए गए हैं वो भी देख सकते हो और ये भी देख सकते हो यहाँ पे आंसर सबके दिए गए हैं वही क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना इसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है तो आप उसे देख लेना अगर आपको चाहिए यहाँ पर मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही स्टूडेंट्स ठीक है डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि जस्ट क्वेश्चन आंसर ही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ एक्सप्लेनेशन तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ट्रू फॉल्स का देखिए यहाँ पे हर फैमिली में सेम नंबर होते हैं क्या नहीं गलत किसी में कम रहते हैं कहीं ज़्यादा है मेनी बर्ड्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर येस ट्रू वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह फूड और शेल्टर के लिए वी कैन सी फ्लैमिंगोज एट सेवरल प्लेसेज इन महाराष्ट्र फ्रॉम अप्रैल टू सेप्टेम्बर ये फॉल्स है ठीक है क्या है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना आंसर इन वन सेंटेंस देखिए वन सेंटेंस में आंसर है दिया गया है वाई डिट बिकम इम्पॉसिबल टू फीड एवरी वन इन द फैमिली बाय फार्मिंग अ लोन तो सिर्फ फार्मिंग करके खेती करके सिर्फ पूरे फैमिली को कैसे एक इन, मतलब अकेले तो ये कैसे मतलब इम्पॉसिबल है ठीक है तो कैसे है वो यहाँ पे बताया गया है वाई डज़ मैन माइग्रेट आदमी लोग माइग्रेट क्यों होते हैं क्योंकि जॉब के लिए ऑक्यूपेशन के लिए एजुकेशन के लिए ऑक्युपेशन यानी कोई व्यवसाय करने के लिए वाई डज़ द नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली गो ऑन चेंजिंग तो यहाँ पे देखो आंसर दिया गया है हाउ आर वी इंट्रोड्यूसड टू डिफरेंट फेस्टिवल्स फूड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस उसका भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हो ओके वॉट मेक्स वॉट मेक्स कम्युनिटी लाइफ जॉयफुल आंसर यहाँ पर दिया गया फ्रेंडली एंड हारमोनियस रिलेशन विद आर नेबर्स मे कम्यूनिटी लाइफ जॉयफुल स्टेट द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लेटर्स टेलीफोन कॉल्स एंड इंटरनेट यानी ई मेल ये सब क्या है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है बातचीत करने के साधन है वनी रिलेशन गेट टुगेदर इंड फॉम बिग फैमिली तो यहाँ पर उसका भी आंसर दिया गया है टू सॉल्व विच प्रॉब्लम्स डू वी नीड ईच अदर सेल्फ तो यहाँ पर देखो दिया गया है वी नीड ईच अदर सेल्फ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ गारबेज वाटर इलेक्ट्रिसिटी एंड सिक्योरिटी यहाँ पे रीज़न बताना है आपको बिग फैमिलीज़ वर्स स्कैटर्ड क्या रीज़न है यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है आपको पॉइंट्स ऐसे मिक्स करके नहीं लिखने स्टूडेंट्स फर्स्ट कंप्लीट हो जाए फिर सेकेंड हो जाए फिर थर्ड ऐसे लिखना है सेकेंड है रिलेशन विद नेबर्स बिकम फ्रेंडली जो रिलेसन्स हैं नेबर्स के साथ में फ्रेंडली हो गए इसके क्या रीज़न है तो यहाँ पे दिया गया है कि हम सेम लोकेलेलिटी में रहते हैं डेली उनके कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं अपने नेबर्स के तो हमारे नेबर्स हमारी हेल्प करते हैं टाइम टाइम ज़रूरी पड़ने पे ठीक है सो so, यहाँ पे हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं चाहे गार्बेज वाटर इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी कुछ भी हो मिल हम काम करते हैं ठीक है वीडियो पॉज करके वर्कबुक लिखते ही कंप्लीट कर दी जाइए अपना आप आंसर इन टू टू थ्री सेंटेंसेस यहाँ पे देखिए हाउ इज़ द मैरिज अ कॉज ऑफ चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली पॉइंट वाइज दिया गया आंसर आफ्टर गेटिंग मैरिड एन ऑन्ट और कज़न जॉइंट्स जॉइंट फैमिली कज़न कज़न क्या अगर ज्वाइंट फैमिली एंड इनक्रीज द नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली ओके तो ये आंसर पूरा देख सकते हो आप हाउ इज़ द बर्थ एंड डेथ द कॉज ऑफ चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली तो इसका भी आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे हैं। ओके तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आंसर जितना था यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कोई डाउट रहे तो आप पूछ रहे ना ओके